केसरिया कुर्ते में नजर आ रहा ये शख्स क्या दिवंगत बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब है? ये तस्वीर मोतिहारी से सामने आई है। जरा ये तस्वीर फिर से देखिए, जहां पीड़ित पक्ष केसरिया कुर्ते में तांडव मचाते शख्स के उसामा होने का दावा कर रहा है। तस्वीर देखकर पहली नजर में इस शख्स के उसामा होने का शक भी होता है। दरअसल बिहार के दिवंगत बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनके बेटे उसामा चर्चा में हैं। मोतिहारी के रानी कोठी में कुछ दिन पहले जमीन विवाद में खूब तांडव हुआ। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन की बेटी की शादी मोतिहारी के सैयद इफ्तिकार खान के बेटे से हुई, जिनका अपने भाई इम्तियाज अहमद के साथ संपत्ति विवाद था। मामले में पीड़ित पक्ष आरोप लगा रहा है कि सिवान में शहाबुद्दीन के गुंडों ने आकर मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की। पीड़ित पक्ष के बयान पर इस मामले में उसामा पर भी एफआईआर हुआ है। अब इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और पीड़ित पक्ष सीसीटीवी में उसामा शहाब के मौजूदगी का दावा भी कर रहा है। फरहान की माने तो भीड़ में केसरिया कुर्ते में जो शख्स नजर आ रहा है वो शहाबुद्दीन का बेटा उसामा शहाब है। सिवान से हमारा न कोई संबंध है न कोई नाता है। वो लोग आया, उनकी 30-40 गाड़ियां आई, उनके लोग आए, फायरिंग किया। लोग इनके लोग आए, ये उसामा साहब के लोग थे। हाँ। फोन पे एक आदमी आके हमसे बोला कि साहब बात करना चाहते हैं, और वो उधर से धमकी देना शुरू किए कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि वो थे कि नहीं थे हमको ये नहीं पता, लेकिन एक वीडियो में हम देख रहे हैं एक लंबा सा आदमी जो ये सैफ्रॉन रंग का कुर्ता पहने हुए लाठी लेके गाड़ी तोड़ रहा है, इधर से इधर जा रहा है। अब हमको नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो उसी टाइप का पर्सनालिटी उनका दिख रहा है। धमकी वो लोग कह रहा था कि हम लोग 5 मिनट लगेगा, हम लोग किडनैप करके इनको लेके सिवान चले जाएंगे। यहाँ पर जो जिनको ये लोग बोला है वो यहाँ मौजूद हैं अभी। अच्छा, लोग कितने थे? लोग थे 150-200 लोग थे। सब सिवान से आए? सब सिवान से आए थे। 29 नंबर गाड़ी है और सारी गाड़ी का नंबर चिंतित है, जिसमें एक आदमी उनका पकड़ाया भी है और वो उसका नाम औरंगजेब है शायद, पता नहीं क्या है। और एक 29 नंबर की स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की, एक झारखंड नंबर की और एक छपरा नंबर की और एक JCB जो पुलिस ने जब्त किया है। तो वो औरंगजेब आदमी उससे पूछे कि हमको पहले कभी जानता था वो, कभी हमारा कोई लिंकअप है सिवान से या कोई चीज का? हमारा तो कोई नाता ही नहीं है। पूरे मामले में उसामा का नाम आने के बाद मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उसामा की संलिप्तता मामले में है या नहीं, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। प्राथमिकी भी दर्ज हुआ है, उसमें ये इनका भी नाम है केस में। SIT बनाया गया है और जो भी दोषी हैं उनका बक्सा नहीं जाएगा और कहीं भी हो उन्हें करके जेल भेजा जाएगा। हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं, वैज्ञानिक पहलू से इसमें जाँच कर रहे हैं और सभी का जो भी नाम आया है इस केस में, जो आबादी हैं उन्होंने कुछ नामजद भी आइडेंटिफाई किया है और कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है, तो हम लोग अनुसंधान करके उनके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं और हमारी टीम फिर उनको गिरफ्तार करेगी। उसामा की क्या भूमिका? इस मामले में वो प्राथमिकी अभियुक्त है और हम लोग जांच कर रहे हैं कि CCTV फुटेज से और बाकी अन्य माध्यम से, और दोषी पाए जाने पर। केसरिया कुर्ता पहने ये जो शख्स तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसी के उसामा होने का दावा पीड़ित पक्ष कर रहा है। वहीं उसामा की मां हिना शहाब बता रही हैं कि उसामा तो फिलहाल दिल्ली में है और इस घटना से शहाबुद्दीन के परिवार का कोई लेना देना नहीं है। खैर, मामले का CCTV फुटेज सामने आया है और पुलिस मामले में हर एंगल से पड़ताल कर रही है। पुलिस जांच के बाद मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होने की उम्मीद है। मोतिहारी से हमारे संवाददाता सचिन पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे थे।